मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस अगले कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्पेशल रिपोर्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी ये वादा किया था कि एक रिपोर्ट जो है वो रोहतांग टनल, जो अटल टनल अभी नई बनके तैयार हुई है और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तारीख को जो था वो उसका उद्घाटन भी किया और आज हम 4 तारीख को इस टनल को देखने को यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और मनाली से जब लेह के लिए जाते थे तो उसमें जो रोहतांग वाला रास्ता था उसको काट कर जो है वो ये टनल बनाई गई है ताकि उस रास्ते को जो है वो कम किया जा सके और लोगों का समय बचाया जा सके। तो इसके लिए जो है वो इस टनल के बनने के बाद जो है वो अभी 45 किलोमीटर जो रोहतांग से होकर लोगों को जाना पड़ता था वो 45 किलोमीटर जो है वो रास्ता छोटा हो चुका है यहाँ पे। और इन 9 किलोमीटर की जो है वो टोटल सुरंग जो है वो बताई गई है और 9 किलोमीटर जो है वो इस टनल की स्ट्रेंथ है। इसके साथ इसकी एक और खास बात है कि इस टनल में आधुनिक जो तरीके तौर तरीके होते हैं जिससे कि टनल में जैसे आग लग जाती है या इमरजेंसी एग्जिट जैसी और भी तरह की कई चीज़ें होती हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पर खास प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि BRO ने जो कि इस टनल का निर्माण किया और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है वो इस टनल को जो है वो बनाया गया है क्योंकि उनका एक सपना था। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस टनल का जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य जो टनल है यहाँ पे वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का नमूना है कि पहाड़ों को खोद कर किस तरीके से जो है वो एक टनल का निर्माण किया गया। आपको आगे इस टनल के सफर पर भी लेकर चलेंगे और पूरी रिपोर्ट जो है वो बनकर जब तैयार होगी तो आप सब बोलचाल के जो दर्शक हैं उनसे शेयर की जाएगी। तो हम अभी खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं नोट पोर्टल है यहाँ पे। रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इस टनल का निर्माण किया है और हम इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे जो सिसु नाम की जगह है वहाँ पे जो है इसका एंड पोर्टल है। यहाँ पे आप देख सकते, दिख रहा नहीं होगा आपको, यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल है और यहाँ पे इस टनल की जो सफर था जो आपको खूबसूरत